है सामने का व्यू होटल से निकलते ही, ये सामने एशिया होटल और आप जाएंगे ऑफिस की तरफ। कल बारिश हुई थी यहाँ पे, बारिश के बाद में आज धूप निकली हुई है अच्छी वाली। ये देखो गर्मी होने के चांसेस है, सैटरडे है लेकिन कुछ काम बचा हुआ है इसलिए जा रहा हूँ ऑफिस के लिए। तो ये होटल तो सामने है टेंजन पगार मार्केट, ये कुछ बैठने के लिए ग्रीन घास। ये है वो एशिया होटल, इसके पास में ही है। बड़े ध्यान से यहाँ पे रोड क्रॉस करनी पड़ती है, कई जगह पे तो वो लगे हुए हैं और बटन प्रेस कर दो उसमें फिर तो वो टाइम दिखाता है कितना टाइम आप जल्दी जल्दी देते। कई जगह पे इंडियन स्टाइल में रोड क्रॉस करनी पड़ती है, जैसे कि ये कर रहा हूँ। और मैं चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये वन वीक के लिए सेलिब्रेट करते हैं। पोंगल भी था यहाँ पे, पोंगल भी सेलिब्रेट हुआ है। और ये है सामने चाइनीज टेम्पल, ये देखिए इस तरह का है चाइनीज टेम्पल और जो लोग हैं अंदर वो पूजा कर रहे हैं। ये ऐसा सजा हुआ टेम्पल, ये है चाइनीज एंट्रेंस चाइनीज टेम्पल सेंग वोंग बियो टेम्पल, बहुत अच्छा बनाया हुआ। ये आगे जगह जहाँ मुझे जाना था, बस अभी रोड क्रॉस करेंगे और इस सामने बिल्डिंग में मुझे जाना है। ये देखिए इतनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे और मुझे रोड क्रॉस करनी है इंडियन स्टाइल। ये सिंगापुर बस आ रही है डबल डेकर वाली, इस तरह की बसें चलती हैं यहाँ पे। और फिर ध्यान से देखना पड़ेगा कि कैसे रोड क्रॉस करनी है। खाली हो गया है तो निकलते हैं जल्दी जल्दी। दिल्ली पहुंच गया, उनको जहाँ जाना था कल कुछ काम करते हैं, उसके बाद फिर से मिलते हैं आपको। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो काम से फ्री हो गया हूँ तो अभी जा रहा हूँ वीवो सिटी, वीवो सिटी से फिर उसके बाद में वहाँ से ट्रेन लेनी है, ट्रेन लेके फिर जाना है सेंटोसा आइलैंड। तो देखते हैं थोड़ा टाइम है और उतने टाइम में कितना घूम सकते हैं, कभी जा सकते हैं, तो चलते हैं।
Sentosa to Vivo City Mall. अब Vivo City आ गया, गाड़ी से उतर गया हूँ, अभी जाना है ऊपर. ये मॉल आएगा पहले, वहाँ पे कुछ शॉपिंग सेंटर है टाइप का, फिर उसके बाद में जाना है ऊपर ट्रैम लेने के लिए. ये है मॉल, Vivo City मॉल. काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांड्स, ये एक बाइक खड़ी है, काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांड्स जो हैं ये मिल जाती हैं यहाँ पे. अभी मैं सेंटोसा मोनोरेल लेनी है, जो कि लेवल 3 पे जाना पड़ेगा, तो लेवल 3 से मिलेगी. ये देखो, वी आर गोइंग आउट. केबल खराब हो गई है, कभी केबल नहीं ली है. तो यहाँ पे बच्चों के सारे खिलौने मिलते हैं. ये है Vivo City अपर डेक, सामने केबल कार्स जा रही हैं सेंटोसा में, और मैं केबल कार से नहीं जा रहा, तो मैं अभी यहाँ पे लूँगा ट्रैम. टिकट काउंटर पे जा रहा हूँ, खाली लग रहा है, तो वहाँ से लेंगे टिकट. तो सेंटोसा Vivo City स्टेशन, तो यहाँ से मिलेगी टिकट. तो $4 की एक टिकट मिलेगी, इसमें आप कहीं पर घूम सकते हो, जितने मर्जी चक्कर लगाओ. टिकट मैंने ले ली है सेंटोसा फॉर द फन, ये रही टिकट. और अब बोर्ड करेंगे ट्रेन, जो ट्रैम है क्या, Vivo City सेंटोसा एक्सप्रेस बोलते हैं इसको, तो इसको बोर्ड करते हैं और चलते हैं. लगाएंगे अरे बड़े जाता है, तो यहाँ पे आने वाली है, आ ही गई है मुझे लग रहा है, तो जल्दी भागना पड़ेगा. ऑटोमेटिक जलती है, कोई ड्राइवर नहीं बचा इसमें. चलने वाली अभी से चलते हैं, चल गई है सेंटोसा एक्सप्रेस. अभी बाहर जब दिखाता हूँ, और ये व्यू बाहर का, बारिश शुरू हो गई है काफ़ी देर. दूसरी तरफ से एक और सेंटोसा एक्सप्रेस आ रही है ब्लू कलर की, ये भी पास होगी यहाँ से. बारिश शुरू हो गई है जी, सुबह से मौसम बन रहा था बारिश वाला. ये इधर राइट साइड में Vivo City है, ये सी है, वो सामने ऊपर केबल कार से आ रही हैं. अगर केबल कार से जाना है तो वो भी आप Vivo City से ही आगे जाके वो 15 फ्लोर पे से आप चढ़ सकते हो उसमें केबल कार में. सबसे बढ़िया और अच्छा जो है वो ये है, ये सेंटोसा एक्सप्रेस में यहाँ से Vivo City से आना, $4 लगते हैं, जितने मर्जी चक्कर लगाओ. सामने जो है रिसॉर्ट वर्ल्ड है, कैसीनो है यहाँ पे, और ये देखो कितना वाव ब्यूटीफुल ग्रीन वाटर. और यहाँ से सेंटोसा शुरू हो जाता है, सेंटोसा आइलैंड. तो ये फर्स्ट जो ये है सॉल्ट वर्ल्ड, सेंटोसा का सॉल्ट वर्ल्ड स्टेशन है आएगा अभी. तो यहाँ नहीं हम उतरेंगे क्योंकि हमें कैसीनो नहीं जाना, तो हम चलेंगे आगे. तो सबसे जो लास्ट वाला स्टेशन है वो है स्टेशन बीच स्टेशन. तो पहले ही यहाँ पे बीच में स्टेशन उतरेंगे, वहाँ पे वाइट आइसक्रीम जो लास्ट टाइम भी लास्ट में गया थी, काफ़ी फेमस है मिल्क आइसक्रीम, तो वो आइसक्रीम खाएंगे पहले, फिर आगे चलेंगे बीच पर. ये है, बारिश जमा जमा हो रही है जी, एकदम फर्स्ट क्लास. जाके नीचे देखता हूँ अगर आइसक्रीम वाली शॉप है कि कुछ काम चल रहा है यहाँ पे. उतर गया हूँ, देखते हैं और फिर. ये 7-Eleven स्टोर, पानी वानी सारे अच्छे हैं, इस तरह की चलती हैं यहाँ पर. वाटरमेलन और एप्पल ट्राई किया जा सकता है. और ये क्या है, ये है ऑरेंज आई थिंक एप्पल ही बेटर रहेगा. तो जी
अनफॉर्चुनेटली आइसक्रीम वाली शॉप बंद है, काम चल रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से शॉप वगैरह सारी बंद है यहाँ पे। तब चलते हैं आगे बीच स्टेशन पे। चढ़ रहे हैं आगे जाने के लिए। ये मद लाइन, ये आ गया है बीच स्टेशन। देखिए उतर गया हूँ। ये थी एक्सप्रेस, कहीं इधर उधर कह के नहीं बदले, बीच भी बंद कर दिया। होपफुली नॉट ये वाला काम कर लिया जाए, दोस्तों वाला। उसके बाद में चलते हैं आगे। ये है सिंगापुर आई फ्लाई, यहाँ पे आप वो उड़ सकते हैं। आपको कुछ हवा के प्रेशर के साथ में ऊपर को उड़ाते हैं। और इधर जो है ये नीचे लेफ्ट साइड में जो है विंग्स ऑफ टाइम, जो कि शाम को समंदर के किनारे में वो बनाते हैं, ये शो चलता है। तो इधर है ये विंग्स ऑफ टाइम, और ये यहाँ से सामने से ये उतर के मैं आया हूँ बीच स्टेशन से। तो ये है दुकानें, देखें यहाँ पर क्या मिलता है। एशियन डिलाइट वॉल्स और नेटो मैगनम। ओके, ये है विंग्स ऑफ टाइम की एंट्रेंस। अभी शो का टाइम नहीं हुआ है, पहले चलते हैं बीच, बीच देखते हैं पहले। मिस्टर बीन है यहाँ पे, द गुड ओल्ड डेज रेस्टोरेंट, एक ये सामने का पुराना रेस्टोरेंट है इधर का। ये टाइम खा लेते हैं, भूख भी लगी हुई है, कुछ पीना पड़ेगा। फिर नारियल पानी वगैरह, नारियल काफ़ी अच्छा होता है यहाँ का नारियल पानी, वो पीते हैं अगर मिल गया तो। ये मिस्टर बीन ओल्ड डेज, तो कुछ लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे। देखो मौसम अभी धूप निकल आई है बारिश होने के बाद, तो बेटर है वेदर पहले से। तो अभी मैं बीच की तरफ जा रहा हूँ। उससे पहले ट्राई करें अगर कुछ मिल जाए पीने का तो सही रहेगा। गेट इट फ्रेश फ्रूटी फ्रूटी स्लशेस है, इधर है कुछ। ये ल्यूज राइट, ये नारियल पड़े हुए हैं, कोकोनट वाटर, कोकोनट चिल्ड और नॉट चिल्ड, ओनली चिल्ड। ओके How much? Six? 6.5. ये लिए है, ये नारियल पानी, और इसमें साथ में चम्मच भी देते हैं और ये स्ट्रॉ है। तो पहले पानी पीजिए, नारियल पानी बहुत मीठा होता है, अच्छा होता है। $650 का मिला है, और फिर उसके बाद में इसकी मलाई भी खा सकते हो। ये खाइए, खाते हैं। ठंडा है, मीठा है बहुत ज़्यादा। बहुत मस्त, बहुत यहाँ तो नारियल पानी जरूर पीना, मस्त चीज है।
ये मेरे पीछे यूज राइड जो है वहाँ से ऊपर से आते हैं, तो नीचे ये देखिए ये यहाँ पे एंड होती है यूज राइड, तो यहाँ पे आगे उतर के फिर वापस रोप वे से ऊपर जा सकते हो, फिर वहाँ से राइड ले सकते हो। तो पैकेज मिलता है, तो मैं अभी जाके देखता हूँ ऊपर, अगर टाइम मिला तो ऊपर से यूज राइड करके नीचे आएंगे। Yeah.